वेलकम बैक। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, तालीम, बिल्कुल जो आदिल अहमद कह रहे थे, बहुत सीरियस मैटर है। हमारे मुल्क के मसाइल बहुत सीरियस है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हेल्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो है हमारे पास सेलफोन्स हैं। अब उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल, मेरे ख्याल से टैमी, आई थिंक ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, बिकॉज जहाँ पे सर्विसेज का इतना बड़ा चैलेंज हो और गवर्नमेंट्स अनफॉर्चुनेटली डिलीवर नहीं कर रही हमारी, और ये रियलिटी है, मसाइल भी हैं, कुछ उनकी अपनी नााहली भी है, लेकिन अगर एज यू नो यू हैव बीन पार्ट ऑफ दैट, द एजुकेशन एमरजेंसी कैंपेन जो है वो इतनी इफेक्टिवली ट्विटर से और फेसबुक से और इंटरनेट इंटरनेट से हैंडल हुई है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं मालूम था। आपने बताया, 5-10 और लोगों ने बताया, आई डग इन टू इट, नाउ इट इज़ बींग फॉलोड बाई बोथ द गवर्नमेंट, बाई पाकिस्तान यू नो डेवलपमेंट पार्टनर्स, बाई डोनर्स एंड अदर्स, एंड पीपल आर सेंग लुक इट इज़ एंड इट इट्स गॉन इन टू द इंटरनेशनल मीडिया। वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान में तालीम इस वक्त बहुत बड़ा मसला है, इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पाकिस्तान को इस वक्त असिस्टेंस दे रही है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रांट, एंड देयर सेइंग कि उनका सबसे बड़ा फोकस और ही ये तालीम प्राइमरी होगा, प्राइमरी एजुकेशन के प्राइमरी लिए दे एजुकेशन रहे हैं। होगा, जो मैं बिल्कुल, समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बहुत पॉजिटिव जरूरी चीज़ हुई है। ये। और जैसे जहानारा ने पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी का हवाला दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल दुनिया भर में खसूसन डेवलपिंग कंट्रीज में तालीम नॉन फॉर्मल तरीके से भी फैल रही बिल्कुल है। आप लोगों को ऑडियो विजुअल टूल्स दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं, आप उनको स्किल्स सिखाते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के हवाले से भी, और उसके लिए फॉर्मल स्कूलिंग अब हर एक को हम नहीं दे सकते। आपके कॉलर ने कहा 70% आर इलिटरेट, एंड यू नो द स्केल इज सो ह्यूज दैट वी हैव टू यूज ऑल पॉसिबल स्ट्रैटेजीज। और रजा देखें, अनएजुकेटेड बहुत हैं यहाँ पे और लैंग्वेज स्किल्स भी बहुत नाजुक किस्म की हैं। मगर आप अगर जाएं तो टेडेक्स के वीडियोस हैं, आप स्टैनफोर्ड के लेक्चर्स सुन सकते हैं, वो सब वीडियो पे हैं। तो वो मेरे ख्याल में द बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड टीचिंग यू। इस तरह की चीज़ें अब पॉसिबल हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ फेसबुक, बिकॉज ऑफ ट्विटर, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। तो उसको बैन करना मेरे ख्याल में, जो एक चीज़ पॉजिटिव आपके यंग लोगों के लिए हो रही है, उसको बंद कर देना बहुत ही नुकसानदेह होगा मुल्क के लिए भी और इंडिविजुअल्स के लिए भी। बिल्कुल, तो आप कैसे देखते हैं इसको, अगर एजुकेशन के लिए इसमें कुछ आप करना देखें, हो? अगर किसी ने मुझे SMS भेजा था कि अबादत तबलीग कि ये बिल्कुल सारा कुछ तो इंटरनेट ही पे होता है, आप मोबिलाइजेशन। देखें, अगर यू राइट, तबलीग भी होती है। इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मुस्लिम मैटर्स, जिसके लिए मैं लिखता हूँ, तो इट्स बेस्ड इन द वेस्ट, मगर यू नो मैं भी लिख रहा हूँ, पाकिस्तान से 3 और राइटर्स हैं, एंड हम आप इस्लाम के किस तरह ऊपर ही की लिख चीज रहे हैं। क्या लिखते हैं, किस तरह की चीजें हम लिखते करंट अफेयर्स भी लिखते हैं, हम इस्लाम के ऊपर भी लिखते हैं, हम फेसबुक बैनिंग पे भी लिखते हैं अगर हो। हैं? और आप उस पे क्या, आई मीन आपका क्या स्टांस है? बिकॉज बहुत यू नो, जैसे आपने कहा था कि हम रिएक्टिव कौम है, हम ठंडे दिमाग से कुछ करते नहीं, हम बहुत रिएक्टिव है। अगर हम ठंडे दिमाग से काम करें तो हमें क्या करना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में? बेसिकली इस तरह की सिचुएशन में हमें उसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कोई मिसगाइडेड अगर है इतना कि वो आपके रिलीजन को इतना वो कर रहा है, तो आप उसके साथ बैठें, आप उसके साथ डायलॉग इनिशिएट करें। आप यू नो जस्ट बिकॉज अगर आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री में भी देखें, अगर उनके ऊपर कोई कूड़ा फेंकता था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो तलवार उठा के भागते उनको मार थे। देते थे? ठीक है, मौके बहुत थे जहाँ पे तलवार भी उठती थी, मगर उसके भी एक सर्टन प्रोटोकॉल था। तो आप बेसिकली उसको जो है एक यूज़ करें, आप क्या कहते हैं, दावा का एक टेक्निक है वो, आप उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाएं, आप उससे डायलॉग करें। मैं तो खैर, मैं थोड़ी सी अब सब्जेक्ट बदलूंगा आपकी इजाजत से टैमी। मेरे ख्याल से प्रोग्राम तो तो आपका है। थैंक यू, आप लाहौर से आए। अच्छा, तो मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, हमारे माशरे में जो एक घुटन भी है, जो हमारे यंग लोग हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि अभी तक के यू नो वे यंग पीपल कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, पब्लिक स्पेसेस पब्लिक स्पेसेस नहीं है। हमारे देखिए, आपकी कराची में पार्क्स जो थे वो उनको मिटा के हाउसिंग कॉलोनीज बन गई हैं। पाकिस्तान के छोटे शहरों में भी ये हो रहा है, लाहौर में भी नई डेवलपमेंट्स बन रही हैं, इनमें वो बड़े पार्क्स नहीं हैं, वो प्ले ग्राउंड्स नहीं हैं। अब इंटरनेट एक
प्लेटफॉर्म बन गया है फॉर द यंग पीपल जहाँ पे वो इंटरेक्ट करते हैं. और मैंने जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की आज से कोई 6-7 साल पहले, आई एम वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लॉगर्स, एंड आई हैड नेवर इमेजिन कि पाकिस्तान में दूर दराज के इलाकों में लोग जो हैं वो इंटरनेट पे जाते हैं, कमेंट करते हैं. आज आप देखें कि मुझे बलूचिस्तान के बारे में हमारा मीडिया बहुत सेंसरशिप करता है, प्रिंट मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक भी, कि वहाँ पे कितने लोग रोज उठाए जा रहे हैं, मिसिंग पर्सनस हैं. लेकिन आपको इंटरनेट के जरिए मालूम पड़ जाता है कि आज पंजगूर में ये हुआ, आज मकरान में ये हुआ, आपको भी ट्वीट्स आती हैं. और ये अब एक इन्फॉर्मेशन एज है, और आप तो लॉयर्स मूवमेंट में यू वर एट द फोरफ्रंट. उस वक्त भी जब जनरल मुशर्रफ ने सेंसरशिप लगाई टीवी चैनल, एवरीबॉडी वाज केयरफुल, इंटरनेट चल रहा था, और मैं हालांकि मुल्क में नहीं था, लेकिन आई हैड ब्लो बाय ब्लो अकाउंट कि आज कहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, आज किसी ने क्या किया है. और मोबिलाइजेशन के लिए लोग मोबिलाइजेशन हुई, शहरों में हुई, और अल्टीमेटली डिक्टेटर को जाना पड़ा. आई थिंक ये बड़े पावरफुल सिंबल्स हैं हमारे टाइम के. बिल्कुल सही है. वी हैव अ कॉलर. हेलो. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम प्लीज. अब्दुल लतीफ फैसलाबाद से बोल रहा हूँ जी. आपका सवाल. हाँ जी, बस हमें ये पूछना चाहते हैं, आप रोज कॉल करते हैं कि ये पाकिस्तान से जैसे पूछो कि आप जितना इतनी फोर्सू तनखा में देते हैं, इसलिए तनखा में देते हैं, हम अपना टैक्स काट के अपना पेट काट करके भेजिए, हम अमेरिका वाले इंडिया वाले हम पर हमले करते थे. सॉरी, आपका सवाल, हम जो बात कर रहे हैं हम मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, आई थिंक यहाँ पे नहीं, मैं एक और चीज, टैक्सेस जैसे वो टैक्सेस हम देते हैं, लेकिन इंडिया और अमेरिका हमले कर देते हैं. वो हमारा रेडार जो नहीं काम करता. नहीं, जो जो रजा कह रहे थे वहां से मैं और एक स्टेप आगे जाऊं. यंग जो बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या कॉलेज में बच्चे हैं, वो वैसे उनको मौका नहीं मिलता था आपसे, मुझसे या किसी भी पॉलिटिशियन या बिजनेस पर्सन से बात करने का. अब ये जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू वो कनेक्ट भी हो जाते हैं, उन गपशप भी हो जाती है, नेटवर्किंग भी उनकी हो जाती है, कुछ लर्निंग होती है, कुछ हम भी सीखते हैं उनसे कि देखें ये जो एक प्लेटफॉर्म उनको अवेलेबल है जिससे वो दूसरे आदमी को समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत डिबेट भी होता है, कभी कभी बहुत अग्रेसिव डिबेट होता है, मगर उससे ये मैंने बहुत देखा है. रजी अर्जी उसामा बिन लादेन वाला वाकये के बाद मैंने बहुत देखा था ट्विटर पे, खास तौर पे हुसैन हकानी के साथ इतनी वहाँ पे डिबेट चल रही थी. और मगर वैसे कैसे मौका, बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग डिस्कशन, उसमें बहुत यू नो थप्पड़ भी किसी ने मारने की कोशिश की, ये सारी चीज होती है. लेकिन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक आई ओपनर भी था कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपका जो सफीर है वो दे रहा है, वो सेंसिबली बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, डिपेंडिंग आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू हो. और बिल्कुल जो आप कह रही हैं पॉलिटिशियंस का, मुझे याद है कि सलमान तासीर फॉर एग्जांपल, ही वाज द फर्स्ट वन आई थिंक ऑन ट्विटर, और जो उनके ट्वीट्स थे वो इतने फनी थे और हार्ड हिटिंग भी थे, लेकिन इतने फनी थे, उनके तो बहुत फॉलोअर्स थे एक जमाने में. लेकिन अगर अच्छा ठीक है, ये तो पाकिस्तान. अब मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे पॉलिटिशियन, मारवी मेमन है, वो तो एक नवाला खाती वो उसको ट्वीट कर देती है, वो इतनी वो एक्टिव होती है. फरानाज इस्फहानी, फरानाज भी है, बहुत सारे हमारे मालिक है, बाबा रमान भी आ गए हैं, हर कोई चाह रहा है कि बाबा शरीफ है, थोड़ा सा कंट्रोल भी होना चाहिए. मैं तो समझती थोड़ा सा कंट्रोल कह रही है. आई थिंक राइट्स ऑफ एडमिशन की भी बात होनी चाहिए कहीं कहीं. लेकिन ये है कि अगर आप बाहर के पॉलिटिशियंस देखें, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो तो टेंस ऑफ मिलियंस में होते हैं. बिल्कुल, टेंस ऑफ मिलियंस. ओबामा के देखे, मिलिबैंड्स के देखे, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग इंडिया में देखे. इंडिया में तो मूवी स्टार्स के सबसे. मगर आप अगर देखें टैमी के हमारे पाकिस्तान, मेरे आई डोंट नो, मैंने काफी हमारा जो सबसे बड़ा ट्विटर जो है इस नदीम उल हक सन, उमेर हक, उन्होंने किताब भी लिखी है, वो बहुत ही स्मार्ट, लेकिन उनके ज्यादातर तो बाहर के हैं. एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं. लेकिन हमारा जो अहमदाबाद वाला ट्विटर है उसके तो इतने हैं, 110,000 से ऊपर. तो उस इंसिडेंट के बाद हो गए ना, तो ठीक है. तो हम तो पहले से उसके वो थे फॉलोअर्स, तो फिर तो अच्छा. मुझे तो मैं तो जानती नहीं हूँ. बट अगर आप देखें तो हमारे इधर कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जिसके 1 मिलियन प्लस यूजर्स हो. तो आई थिंक ये ऐसी चीजें हैं जो जहाँ पे अभी
स्कोप है आप कह रहे हैं? अभी वो बचपना है हमारा। लेकिन हाँ, लेकिन मैं टैमी आपसे एक बात कहूंगा कि देखिए अभी इसका फायदा इस तरह मैंने देखा कि जब मुख्तारा माई का फैसला आया तो ट्विटर पे बहुत लोगों ने कहा कि उनकी जान को खतरा है और इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना चाहिए। आपने भी आवाज उठाई और कोई 50-100 लोगों ने उठाई और मुसलसल तो उन्होंने एक सेकंड के लिए छोड़ा था। सिर्फ ट्विटर पे नहीं, फेसबुक पे, ब्लॉग्स पे, इंटीरियर मिनिस्टर को भी कहा, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर को बॉम्बार्ड किया था ट्विटर पे, बॉम्बार्ड किया था बिल्कुल हमने, और उनको प्रोटेक्शन मिल गई, उनको मिली दो या तीन दिन लगे लेकिन अब मिली है, और चीफ मिनिस्टर को भी किया, वो भी है ट्विटर पे ऊपर, वो काफी टाइम से। हाँ तो अब इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि यू नो इसका फायदा तो आहिस्ता आहिस्ता दिखाई दे रहा है, और ये जो जो यूजेज बढ़ेगी, आपने सेल फोन्स की बात की है, मोडालिटी और प्लेटफॉर्म्स जो और इसके बढ़ेंगे, तो हम अकाउंटेबिलिटी जो एहतसाब है हमारे पॉलिटिशियंस का भी, वो भी कर सकते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का भी। तो ये जो बिजली का मसला है, जो राइटिंग का मसला है, ये मसले भी हम उठा सकते हैं, जो वो साहब कह रहे थे, रो रहे थे कि कोई नहीं उठाते हैं लोग, ब्लॉग्स पे बहुत लिखा है। अच्छा एक क्रिटिसिज्म आती है, जब एक मसला उठता है तो वो थोड़ी देर के लिए सस्टेन होता है, फिर छोड़ जाते हैं और नेक्स्ट मसले पे चले जाते हैं, वो बोर हो जाते हैं, आई डोंट नो क्या होता है, तो इसका क्या कर सकते हैं, एक सस्टेनिंग सस्टेन्ड कंसर्टेड एफर्ट। यस, उसके लिए अगर मासेस से ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो एक इशू जो आवाम के दिल पे है वो तो कभी डाई आउट हो नहीं सकता। नहीं, जैसे आप देखें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाला इशू है, वो तो सस्टेन हमने किया हुआ है दो साल से। इस पे हम वापस आके बात करेंगे, बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने लेना एक छोटा सा ब्रेक, वी बी बैक, स्टे विद अस।